इस सेशन का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है ये अभी तक हम देख चुके हैं पहले के सेशन में। अभी हम देखेंगे कि टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। नर्स और पेशेंट के बीच में जब भी बात होती है, जब भी कम्युनिकेशन होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए या जो कि यूज़ करने से जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सकता है, वो हम आज यहाँ पे डील करेंगे। तो अगर इसको शॉर्टकट मैं बता रही हूँ, अगर आपको अच्छे से याद रखना है इसे, तो इसका शॉर्टकट है सी शिफ्ट लेबर। मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको मतलब क्लैरिफाई कर दूँगी कि क्या है। सबसे पहले सी से है क्लैरिफिकेशन, सॉरी क्लैरिफिकेशन। यहाँ जो एस हम यूज़ कर रहे हैं वो एस जो है वो 3 times यूज़ होता है, इसलिए हम एस के ऊपर 3 लगा सकते हैं। 1 S फॉर शेयरिंग, शेयरिंग परसेप्शन। दूसरा एस जो है वो साइलेंस के लिए यूज़ होता है, और तीसरा एस जो है वो सजेशन के लिए यूज़ होता है, सजेशन। ओके, नेक्स्ट आता है एच। एच से ह्यूमर होता है। आई से जो आइडेंटिफिकेशन, सॉरी इन्फॉर्मिंग होता है। मैं ये क्या है ये मैं ये लिखने के बाद आपको समझा दूँगी। देन एफ से आता है फोकसिंग। टी से थीम आइडेंटिफिकेशन। थीम आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है एल से लिसनिंग। बी से ब्रॉड ओपनिंग। एंड लास्ट इज आर। यहाँ पे आर भी 2 times यूज हो रहा है। 1 इज़ फॉर रीस्टेटिंग, रीस्टेटिंग या रीफ्रेजिंग भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा है रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये है टेक्निक्स जो कि कम्युनिकेशन, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, जब भी आप नर्स और पेशेंट की जब भी कम्युनिकेशन चल रही है, जब भी आप बात कर रहे हो, तो एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आप सुन रहे हो उसको एक बार दोबारा से पूछ के देखो क्या आपने ऐसा कहा। उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ अगर आप क्लैरिफाई नहीं करते हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद आपने गलत सुन लिया और उस चीज़ को आप गलत इंटरप्रेट कर लो। तो इसीलिए हर एक बात में क्लैरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है शेयरिंग परसेप्शन। शेयरिंग परसेप्शन का मतलब ये है कि आप उन्हें अपने थॉट्स बताते हैं या फिर उनके थॉट्स पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो आपसे एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक टॉपिक पे आपसे बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलते हैं कि मैं ऐसा सोचती हूँ इसके बारे में, आप कैसा सोचते हैं। तो वो जो परसेप्शन है किसी भी चीज़ को लेके, आप कैसा पर्सपेक्टिव रखते हो उस चीज़ को शेयर करना, वो भी एक टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग परसेप्शन। नेक्स्ट आता है साइलेंस। साइलेंस यहाँ पे हम इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब पेशेंट आपसे कुछ बात कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके सामने बोलते रहो, आपको चुप रहना पड़ता है और आप उसकी बस सुनते हो। तो वहाँ क्या यूज़ होता है, वहाँ हम साइलेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सजेशन। सजेशन में क्या है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप सजेशन दे सकते हो या फिर पेशेंट आपसे कोई सजेशन मांग रहा है, तो वहाँ पे हम सजेशन देते हैं या फिर सजेशन प्रोवाइड करते हैं कि आप, आई थिंक आपको ऐसा करना चाहिए। सजेशन में और जजमेंटल होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सजेशन आप तब देते हैं जब सामने वाले को ज़रूरत होती है। जजमेंटल, जजमेंट पास करना अगर यहाँ पे जब भी आप मतलब थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप अगर जजमेंट पास करोगे तो सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आपको सजेशन प्रोवाइड करना है, जजमेंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आता है ह्यूमर।
ह्यूमर क्या है, जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ काम की बात कर रहे हो या आप सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के बारे में पूछे जा रहे हो या फिर उसके पर्सनल लाइफ या फिर हेल्थ से रिलेटेड आप बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत बातों में ह्यूमर, हंसी मजाक होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ह्यूमर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग का मतलब ये है कि आप टाइम टू टाइम पेशेंट से जब भी बात कर रहे हो तो कुछ कुछ इन्फॉर्म भी करते रहो, कोई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे आजकल ऐसा चल रहा है मेडिकल फील्ड में, ये चल रहा है, मतलब कुछ कुछ ज़रूरी न्यूज़ हो गया या फिर कुछ भी ऐसा जिससे पेशेंट को ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ नॉलेज भी मिल रही है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहना होता है, तो इसलिए हम इन्फॉर्मिंग भी यूज़ करते हैं। फोकसिंग यहाँ पे हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो भी पेशेंट बता रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनना होता है, उस पर फोकस करना होता है, दैट इज़ फोकसिंग। थीम आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि एक बातचीत करने के लिए एक थीम चूज़ करना कि किस टॉपिक पे बात करना है या कौन से थीम पे बात करनी है, क्या थीम होना चाहिए, हम जब भी पेशेंट से मिलेंगे तो हमें बात कैसे शुरू करना है, डायरेक्टली जाके हम उससे बात नहीं कर सकते या फिर डायरेक्टली जाके हम उन्हें ये नहीं पूछ सकते कि आप क्या कर रहे हो या फिर कहाँ से आए हो, ये प्रॉब्लम कैसे हुई, ऐसे डायरेक्टली जाके आप बात नहीं कर सकते, इसीलिए क्या होता है थीम आइडेंटिफिकेशन यूज़ करते हैं। मतलब आपको आपको एक टॉपिक चूज़ करना है जिस पर आप बात कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ नेक्स्ट आता है हमारे पास लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब ये है कि लिसनिंग का मतलब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी पेशेंट आपको बता रहा है उस चीज़ को सुनना, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो चीज़ ध्यान से सुनना कि जो भी डिटेलिंग वो दे रहे हैं, जो भी बात करके आपसे शेयर कर रहे हैं वो चीज़ पे ध्यान देना। उसके साथ ही साथ जेस्चर हो गया, आई कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मेनटेन करना। अनटिल एंड अनलेस आप किसी से आई कॉन्टैक्ट करके या फिर आप बातों में, मतलब जैसे आप किसी से भी बात कर रहे हैं, जब तक आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं तब तक जो भी पर्सन है वो आपसे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते किसी भी चीज़ को शेयर करने में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आई कॉन्टैक्ट जो है वो मेनटेन करना चाहिए और जेस्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ आप इंटरेस्टेड हैं उनकी बात सुनने में या फिर वो जो भी शेयर करना चाहते हैं आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिसनिंग में ही आती है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, जेस्चर प्रॉपर रखना और उनकी बातें सुनना। नेक्स्ट आते हैं ब्रॉड ओपनिंग। ब्रॉड ओपनिंग काइंड ऑफ टॉपिक सेलेक्ट करने को ही बोलते हैं। ब्रॉड ओपनिंग में क्या है, जैसे आप इनिशिएट कर रहे हैं बातों को, कन्वर्सेशन को इनिशिएट करना है कि कैसे शुरू करें बात करना। तो जैसे मान लो आप किसी से भी मिलते हो तो आप कैसे बात स्टार्ट करते हो, वैसे ही नर्स और पेशेंट को जब कम्युनिकेट करना शुरू करना है, जब कम्युनिकेशन करना है प्रॉपर तरीके से, तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे आप क्या कर रहे हो या फिर आप किस बारे में सोच रहे हो, आपकी तबीयत कैसी है, इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करना हम ब्रॉड ओपनिंग बोलते हैं। टॉपिक, कोई भी टॉपिक लाना जिस पे आप बात कर सको पेशेंट के साथ। नेक्स्ट इज़ रीस्टेटिंग। रीस्टेटिंग में क्या है, उनकी कही हुई बातों को ही रिपीट करना। मैंने आपको बताया था रीस्टेटिंग या फिर आप रीफ्रेजिंग भी यूज़ कर सकते हो, उनके बोले हुए बातों को रिपीट करना ताकि उनसे कन्फर्मेशन मिल पाए कि क्या आप यही बोल रहे हो। एंड नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या है, उनके आइडियाज़ और उनके क्वेश्चन को उनको ही रिफ्लेक्ट करके बताना कि क्या आप ऐसा सोच रहे हैं या आपके आइडियाज़ क्या कुछ इस टाइप के हैं। मतलब वो जो भी आपको बोल रहे हैं, आपको जो भी उनका आइडिया या फिर क्वेश्चन पता लग रहा है, आप उसको उनसे दोबारा पूछें, उनको रिफ्लेक्ट करके देखना है कि क्या वो वही सोच रहे हैं या नहीं। तो ये था टेक्निक्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। इसके अलावा हम एक और चीज़ आज डील करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। तो मैं जस्ट इसके साइड में लिख देती हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज सोशल कम्युनिकेशन, सॉरी इट्स नॉट कम्युनिकेशन, इट्स रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप फर्स्ट वन इज सोशल रिलेशनशिप, सेकेंड वन इज
इंटीमेट रिलेशनशिप? रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. ओके, सो फर्स्ट है सोशल रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जो कि आप नॉर्मली वर्किंग प्लेसेस पे रखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रखते हैं, या फिर बाहर आप कहीं भी जाते हैं तो आप किसी के साथ बात करें, दैट इज़ सोशल रिलेशनशिप. नेक्स्ट इज इंटीमेट रिलेशनशिप. तो इंटीमेट रिलेशनशिप में क्या है, जब भी ये दो लोगों के बीच में है, किसी भी टू कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इंटीमेट रिलेशनशिप बोलते हैं. एंड नेक्स्ट जो है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप वो है जो अभी हमने पढ़ा, नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. तो आज के सेशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी. सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, जिसमें हमने उसको शॉर्टकट में याद करने के लिए हमने देखा कि सी शिफ्ट लेबर करके अगर हम करते हैं तो वो ईजिली याद रहता है. उसमें हमने देखा कि सी जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए है, एस जो है वो शेयरिंग परसेप्शन, साइलेंस और सजेशन के लिए है, एच इज़ फॉर ह्यूमर, आई से इंफॉर्मिंग है, एफ से फोकसिंग है, और टी से थीम आइडेंटिफिकेशन है, एल से लिसनिंग है, बी से ब्रॉड ओपनिंग है, और एक आर से रीस्टेटिंग या फिर रीफ्रेजिंग है, और दूसरा रिफ्लेक्शन है. उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हमने देखे, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप और थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. सोशल रिलेशनशिप जो आप नॉर्मली फ्रेंड्स या फिर वर्किंग प्लेसेस पे रखते हो, अपने कलीग्स के साथ रखते हो, दैट इज़ सोशल रिलेशनशिप. इंटीमेट रिलेशनशिप जो दो कपल्स के बीच में होता है उसको हम इंटीमेट रिलेशनशिप बोलते हैं. एंड उसके अलावा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप जो है, जो कि नर्स और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है, उसको हम थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप बोलते हैं. तो आज के सेशन में इतना ही. आई होप आपको ये समझ में आया हो. अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू क्लास.